की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं RTX 3050 का कंप्लीट पीसी बिल्ड। तो विकास सर, हम लोग ने ये पूरे पीसी बिल्ड में क्या क्या अभी कंपोनेंट्स यूज किए? सो हेलो गाइस, वेलकम टू क्लैरियन कंप्यूटर्स वंस अगेन। आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं, एक बिलो 70,000 में एक RTX 3050 बेस्ड, एक i5 12th जनरेशन बेस्ड एक पीसी, जो एक पूरा का पूरा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और एक अच्छे कंपोनेंट्स के साथ में बना हुआ है। सो हम आज आपको वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स में आपको दिखाना चाह रहा हूं। सो सबसे पहले हमने जो इस पीसी बिल्ड में सिलेक्ट किया है, दैट इज i5 12th जनरेशन 12400F। ये 12th जनरेशन का लेटेस्ट प्रोसेसर है 12400F। इसमें हमने मदरबोर्ड जो सिलेक्ट किया है वो है असूस का H610ME DDR4 बेस्ड मदरबोर्ड। सो एक मदरबोर्ड प्रोसेसर हो गया। एंड हमने इसमें 16GB रैम सिलेक्ट किया है किंगस्टन फ्यूरी के 32MHz वाले 3200 के सिंगल 8x2 के 16GB की रैम हो गई। एंड वी हैव सिलेक्टेड द क्रूशियल P2 मेमोरी 500GB NVMe SSD। देन हमने इसमें सिलेक्ट किया है इनो 3D से RTX 3050 ट्विन X2 OC वर्जन। और हमने जो इसमें केस सिलेक्ट किया है, ये क्लैरियन का GM एरो बोल के केस है, नया केस है, विथ 4 फैंस, 3 ऑन द फ्रंट एंड 1 ऑन द बैक, विथ मेश डिजाइन एंड विथ PSU श्राउड डिजाइन एंड विथ लाइक गेट सिस्टम हिंज स्टाइल में। ये बस है, ऊपर में आपके डस्ट मेश है, इसमें नीचे आपके ऑल द PSU इज कवर्ड एंड वेल वेंटिलेटेड, बहुत अच्छा एयर फ्लो के साथ में ये केस है। एंड ये केस को हमने सिलेक्ट किया है। और साथ ही साथ हमने PSU जो सिलेक्ट किया है वो है कूलर मास्टर का 550 AT प्लस ब्रूज। सो ये सारे कॉम्पोनेंट जो हमने सिलेक्ट किए हैं, ये पीसी जो है ये हम कस्टमर को देते हैं 68990 ऑल इंक्लूसिव में। इसमें शिपिंग कॉस्ट जो है वो एक्स्ट्रा होती है, बट लोकल अगर कोई भी हमारे कैलकाटा या यहाँ के जो कस्टमर है वो हमारे स्टोर पे आके इस प्राइस पे ये पीसी को ले सकते हैं। ओके, और सर ये जितने भी अपने कंपोनेंट्स हमें बताए ये सारे आपके साइट पे लिस्टेड है? राइट सर, ऑल द प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड ऑन योर। ओके, और मुझे एक सिर्फ क्वेश्चन है, अगर हम 3050 यूज कर रहे हैं और अगर किसी को फ्यूचर में अपग्रेड करना रहेगा तो 550 वॉट इनफ रहेगा वो टाइम पे? 550 इज ओके फॉर इवन दो ऑन 3060, बट हम रेकमेंड नहीं करेंगे बिकॉज वो 650 अफोर्ड कर सकता है, तो आई वुड रेकमेंड दैट ही शुड गो विद 650 वॉट। बट फॉर दिस बिल्ड 550 ब्रोंज इज गुड एनफ। मतलब ये बहुत ही यू नो बजट ओरिएंटेड पीसी है, अच्छा गेमिंग भी करना चाहते हैं और जिनका बजट बहुत ज्यादा नहीं है, 70K का बजट है, तो उनके लिए ये बहुत कंपोनेंट्स भी हमने सिलेक्ट किए हैं। ऑल आर वेरी गुड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, सो सब में 3 इयर्स की वारंटी उनको मिलती है, तो ये सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। सो इसमें 70,000 में ये पीसी जो है फुल परफॉर्मेंस बेस्ड पीसी है। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट एडिटिंग, एडिटिंग भी आराम से हो जाएगा जी, इसमें जी, गेमिंग कर सकता है, एडिटिंग कर सकता है, बेसिक वर्क अगर कोई ऑफिस वर्क वगैरह का काम है, कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मल्टीटास्किंग वगैरह का भी काम है, बिकॉज सी i5 12th जनरेशन इज वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोसेस है। और साथ में 3050 जो पेयरिंग है, दैट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन विद 16GB रैम, सो ऑल द प्रॉब्लम विल बी यू नो सॉल्व विद ऑल दिस कॉम्बिनेशन विद दिस बजट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन आई गेस। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट i5 12400F, इसमें हम लोग को लिक्विड कूलर या फिर एक्सटर्नल एयर कूलर रिकमेंडेड है क्या? सी देखिए, रिकमेंडेड है बट आप लगा सकते हैं, बट इसका जो स्टॉक कूलर है फॉर दिस पीसी इज गुड एनफ। हाँ, अगर आप कोई ओवरक्लॉकिंग का काम करते हैं या कोई बहुत ज्यादा हाई एंड का कुछ काम करते हैं, देन यू रिक्वायर गुड कूलर टू कीप द कूलिंग सिस्टम ओके। बट फॉर अ नॉर्मल पीसी, नॉर्मल गेमिंग पीसी और एडिटिंग पीसी काइंड ऑफ थिंग, तो उसके लिए ये स्टॉक कूलर इज गुड एनफ फॉर दिस। और सर अभी आते हैं इसके कंप्लीट प्राइसेस के ऊपर, सिंगल सिंगल कंपोनेंट्स के प्राइसिंग के ऊपर, तो हम आपको सिंगल सिंगल कंपोनेंट्स की प्राइसेस बता दोगे? मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट प्राइसेस दे देता हूँ जो कि ये पीसी का 69,000 के आसपास कैसे ये बिल्ड हो रहा है। सो सबसे पहले हम आते हैं 12400F में, ये अप्रोक्सीमेट 14750 के आसपास का ये प्रोसेसर है। देन हम आ जाते हैं मदरबोर्ड पे, असूस का ये जो मदरबोर्ड है 610ME मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड अप्रोक्सीमेट 7000 और 7100 के आसपास ऑपरेट करते हैं। देन हम आ जाते हैं रैम्स के ऊपर में, ये जो 8GB के दो रैम है ये 5200 में आ जाते हैं, 32MHz के रैम। देन हम आ जाते हैं SSD के ऊपर में, जो ये क्रूशियल का P2 NVMe SSD 500GB का है, ये अप्रोक्सीमेट 3900 के आसपास का आ जाता है। देन हम आ जाते हैं गेन ऑन द RTX 3050, ये अप्रोक्सीमेट 31500 के आसपास आता है, वेरी अग्रेसिवली प्राइस्ड। देन हम आ जाते हैं कैबिनेट के ऊपर में, ये जो कैबिनेट है ये कैबिनेट अप्रोक्सीमेट 3300 में मिल जाता है, और PSU जो है कूलर मास्टर का ये 3500 के आसपास आता है। सो विद दिस कॉम्बिनेशन एंड सम डिस्काउंट व्हाट वी आर ऑफरिंग टू आवर कस्टमर, इट कम्स टू अराउंड समथिंग अराउंड 68990 ऑल इंक्लूसिव। ओके, फॉर द ऑल जीएसट। ओके, और लास्ट क्वेश्चन सर, अभी ग्राफिक कार्ड्स के प्राइसेस कैसे चल रहे, लाइक प्राइसेस में डिप आया? या ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस थोड़े से स्टेबल हुए हैं एंड थोड़े से डिप भी हुए हैं, बट सप्लाई अभी भी पूरी तरीके से स्ट्रीमलाइन नहीं हुई है, पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं हुई है कि बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है, बट हाँ प्राइसेस आर नाउ नॉर्मलाइज, अ बिट नॉर्मलाइज, थोड़े स्टेबल हैं, एंड ग्रेजुअली ये धीरे 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 और भी कम होंगे। लाइक 3050 जो है 10 दिन 15 दिन पहले अप्रोक्सीमेट 34,000-35,000 पे बिक रहा था, अब ये 31,000-32,000 पे आ गया है। सो सिमिलरली सारे मॉडल्स के प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे एक स्टेबल नॉर्मल स्टेबिलिटी पे आ जा रहे हैं जैसे जैसे
सप्लाई बढ़ रही है। ओके, और चांसेस है एमएसआरपी तक आने के लिए अभी के टाइम पे? एमएसआरपी पे तो नहीं आती है, क्योंकि देखिए जो एमएसआरपी होती है वो फाउंडर एडिशन पे ही होती है। ये जो एआईबी कार्ड्स होते हैं ये थोड़े एमएसआरपी से ऊपर ही ऑपरेट होते हैं यूजुअली, मॉडल टू मॉडल, ब्रांड टू ब्रांड पे। बट हाँ, काफी हद तक ये स्टेबलाइज और नॉर्मलाइज हो जाएगा इन नियर वन और टू मंथ्स के अंदर। ओके सर, थैंक यू सो मच। और गाइस, ये था पूरा वीडियो अबाउट आरटीएक्स 3050। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम ट्रू गाइस, बाय बाय।